तरीके से गुजर रही है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए उसके बाद उन्होंने नोटबंदी की। नोटबंदी के समय ये आश्वासन दिया था कि अब अगर 100 दिन में ये किल्लत समाप्त ना हो जाए तो आप मुझे किसी भी चौराहे पर फांसी पर लटका देना। लेकिन आज 100 दिन नहीं बल्कि कई साल हो गए और ATM में कैश की किल्लत लगातार बनी हुई है। कैश की किल्लत के साथ साथ अब एक चीज और भी हो गई है कि ये चूरन वाले नकली नोट निकाले जा रहे हैं ATM में से। आज हम लोगों ने इन चूरन वाले नोटों को जनता को बांट के सांकेतिक रूप से बांटा है और जो ATM है उस पर आग लगाई है, ये कहने के लिए, दिखाने के लिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आपके सारे वादे जुमले साबित हुए, अब आपको सत्ता छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ पेट्रोल पंप की भी हमने यहाँ अथी जलाई है, चिता जलाई है, क्योंकि अब पेट्रोल पंप जो 60 रुपये था आज की डेट में वो 80 रुपये है। इसलिए समाजवादी फ्रंटल संगठनों ने युवा जनसभा, यूथ ब्रिगेड, छात्र सभा, महिला सभा, अधिवक्ता सभा और जितनी भी हमारी सभाएं हैं उन लोगों ने इसको आंदोलन किया है और इस आंदोलन में के रूप में आपके सामने सांकेतिक आंदोलन है। हैदर भाई, एक चीज है, आपकी जो पार्टी दो गुटों में बंटी नजर आ रही है, अभी एक गुट ने प्रदर्शन किया था कलेक्ट्रेट पे, बैलगाड़ी से गए थे वो लोग, बाइकों से गए थे वो, बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी सवारी उन्होंने चूज की और वो बड़ी सवारी के माध्यम से उन्होंने प्रदर्शन किया। यहाँ पे युवा है, युवाओं ने अपने अंदाज से प्रदर्शन किया, वो भी हमारे आशीर्वादक हैं और हम भी उनके सहयोगी हैं। वो और हम कहीं अलग नहीं है। समाजवाद जिंदाबाद भैया।